नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए 20 क्वेश्चन दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। दोस्तों आने वाली एग्जाम में ये जरूर आएंगे। दोस्तों यहाँ पर जरूर देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है आप लोगों के लिए, तो आंसर भी दीजिए। दोस्तों गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंपारण में। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो चाहे वो पुलिस से संबंधित हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर देख लिए, ऑप्शन नंबर सी यहां पर चंपारण सही है दोस्तों पहले का। दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये शब्द कहा था दोस्तों लोकमान्य तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा, लोकमान्य तिलक ऑप्शन नंबर यहां पर राइट हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी, तो ये वकालत छोड़ने वाला राजनेता था दोस्तों यहाँ पर मोतीलाल नेहरू। जरूर पूछ लिया गया है दोस्तों, ये RRB NTPC ग्रुप डी में बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ने वाला नेता मोतीलाल नेहरू था दोस्तों यहाँ पर। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी से जुड़े थे, तो दोस्तों ये नमक सत्याग्रह जब चालू किया गया था तो गांधी जी के साथ जुड़े थे दोस्तों यहाँ पर, सरोजनी नायडू जुड़ी थी दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और भविष्य की आने वाली एग्जाम में इनसे जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करने वाला था दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। दादा भाई नारोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों, लंदन में की थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सातवां, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अल्बर्ट विल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो दोस्तों ये अल्बर्ट किया गया था रिपिन के द्वारा, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा रिपिन के द्वारा दोस्तों, यहाँ पर राइट हो जाएगा रिपिन के द्वारा यहाँ पर राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा रिपिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी, तो किसकी स्थापना की थी दोस्तों यहां पर कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद, तो यहां पर की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी 1917 में दोस्तों, 1917 में। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था, तो दोस्तों यहाँ पर था अंग्रेजी जो साप्ताहिक अखबार था दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा प्रकाश संपादित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, यंग इंडिया। जी हाँ दोस्तों यंग इंडिया, बहुत बार ये भी पूछ लिया गया है दोस्तों, वही क्वेश्चन लेते आते हैं जो आने वाली एग्जामों में आते हैं दोस्तों, ये आएंगे 100% आने की पूरे चांस बन रहे हैं इन प्रश्नों के दोस्तों, जरूर रटिएगा दोस्तों, आपके बहुत फायदेमंद क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक अधिकारी थे, तो इनमें से आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे दोस्तों यहां पर शहनवाज खान था दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 11वीं का शहनवाज खान हो जाएगा दोस्तों यहां पर। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ नहीं है, यह किसने कहा, तो दोस्तों यह कहा था यहाँ पर चर्चिल ने कहा था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। मेरे पास खून पसीने और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह शब्द कहा था चर्चिल ने।
नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने ही भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी दोस्तों। इसी तरह जब भी इस नीति से ही अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था दोस्तों, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में था दोस्तों गदर पार्टी का मुख्यालय। बहुत बार पूछ लिया गया है दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कब दिया? तो दोस्तों यहाँ पर दिया था 1939 में, जो 1939 में दिया था ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा जाता है? तो यहाँ पर किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितकारी नेता कहा जाता है? तो यहाँ है दोस्तों, यहाँ पर गोपाल शहरी देशमुख, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गोपाल शहरी देशमुख हो जाता है दोस्तों, जिसने लोकहितवादी यानी कि लोकहितवादी है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो दोस्तों किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था गांधी जी ने? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ इसको जरूर याद कीजिए दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, चंपारण, यानी कि ऑप्शन सी राइट है दोस्तों, चंपारण से ही प्रारंभ किया था गांधी जी ने किसान आंदोलन। ये नील की खेती से संबंधित था दोस्तों ये किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था दोस्तों? तो यहाँ पर था दोस्तों राइट हो जाएगा इटली था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, इटली था दोस्तों, इटली। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर ले दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो 1935 भारतीय अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता, जी हाँ दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है, यानी कि 1935 अधिनियम से। बहुत प्रेस पूछे जाते हैं इस अधिनियम से दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे दोस्तों, रोज एक वीडियो। प्लेज दोस्तों, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो प्लीज़ यहाँ पर आंसर जरूर सुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को प्रारंभ किया गया था दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, 1942 को राइट हो जाएगा दोस्तों। इस सीरीज में 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, हमने आपको बताए 20 क्वेश्चन, जो दोस्तों याद जरूर कीजिएगा, भविष्य में आने वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए।